Hi Madhushmita, most welcome to Physicam Academy. This is Divya. हेलो मैम, So थैंक how यू. are you doing? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? I'm also good. So how is your journey in BBS in Niger? आज क्या किया आपने? How was your day? आज 8:30 बजे मेरा क्लास था, तो क्लास करने गई. 12:30 बजे खत्म हुआ, उसके बाद लंच किया एंड देन आई वेंट टू लैब. ओके. एंड लैब में जाके कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ी मैंने. And then I came back hostel at 6:30 PM. Then थोड़ा rest किया, उसके बाद dinner के लिए गई and अभी hostel में ही हूँ. Oh, that's great. So क्या खाया आज? क्या मिला आज भुवनेश्वर में तुम्हें? आज मैंने सैंडविच खाई और okay. एक कोल्ड कॉफी. अच्छा, डिनर में कुछ हेल्दी खाया करो. हाँ मैम, हमेशा हेल्दी खाती हूँ, आज थोड़ा हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. सो ठीक है, सो लेट्स बैक कम बैक टू द टॉपिक. तो मधु, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. पहले तो आप इंट्रोड्यूस करो, आप हो कौन और मैं आपसे इतना फ्रेंडली क्यों बात कर रही हूँ. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके, सो माय नेम इज मधुस्मिता परेरा. आई एम फ्रॉम राउरकेला. करेंटली आई एम वर्किंग एज अ पीएचडी स्कॉलर इन नाइजर भुवनेश्वर. ओके, सो जैसे हमने आपसे पहले बात की थी मधुस्मिता रिगार्डिंग योर नाइजर जर्नी, राइट? तो आपने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है नाइजर को, तो अभी एट प्रेजेंट कैसा फील हो रहा है लाइक इन टू नाइजर? आपको क्या क्या फैसिलिटीज लगी कि हैं, क्या क्या आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो अबाउट नाइजर, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों कि वो भी PhD करें नाइजर से, है ना? तो वट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स वॉट यू हैव एक्सपीरियंसड इन नाइजर? So NISER is basically National Institute of Science, Education and Research. It is a purely research-based institute. So if a student wants to do his or her career in research, so they should do in a purely research-based institute. Right. And NISER comes under Department of Atomic Energy. Okay. And Department of Atomic Energy mein achha funding bhi milta hai NISER ko. So that wo help hota hai students ko achhe achhe chemicals और मतलब रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए. सो इट्स क्वाइट हेल्पफुल. एंड लैब भी, लैब के फैसिलिटीज काफ़ी अच्छे हैं वहाँ. इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटीज बहुत ही अच्छा है. एंड बात करूँ नाइजर एनवायरनमेंट की, वो भी अच्छी है. लाइक कॉमन क्वाइट प्लेस है, सो रिसर्च के लिए एकदम बढ़िया है. अच्छा. एंड खाना वाना हॉस्टल के फैसिलिटीज भी बहुत ही अच्छी है. ओके, सो लाइक जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो यू आर टेलिंग मी कि आपका आइजर और नाइजर्स और भी बहुत सारे जगह पे आपको लाइक PhD एंट्रेंस के लिए मिल रहा था, मतलब सीट मिल रहा था, बट वाई चूज्ड नाइजर ओनली? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जैसे कि मैंने बताया, नाइजर कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ से फंडिंग अच्छा मिलता है. ओके, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर रिसर्च. एंड आइजर भी अच्छे हैं, लाइक आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, बहुत सारे आइजर अच्छे हैं, लेकिन वो ओडिशा में नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टेंस जाने के लिए नहीं चाहती थी. सो आई डिड रिसर्च इन एट नाइजर भुवनेश्वर. एंड बात करूँ IITs NITs की, वो एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, सो प्योरली वो रिसर्च में फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जो आइजर आइजर है वो बेसिक साइंस में फोकस करते हैं. So that's why, according to me, students should do research in either neither. And top IITs भी अच्छे हैं, जैसे कि IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kharagpur, जो कि old IITs हो गए, वहाँ भी research facilities अच्छी हैं. Okay. So how's your experience with faculties? Faculties के साथ कैसा experience है और faculties के साथ आपकी teachings कैसी रहती हैं, research कैसे रहती है और उनका nature कैसा है? How is everything? What is your experience? अभी मेरा आने में 1 month हो गए हैं नाइजर में. तो अभी अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, रिसर्च तो PhD स्टार्ट नहीं हुआ है. तो पढ़ाई वढ़ाई एकदम बढ़िया से पढ़ाते हैं, जैसे बेसिक से लेके एडवांस तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. एंड प्रोफेसर्स के बिहेवियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक वो अगर कोई समझ नहीं पाता वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमें पूछो, हम डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हैं. सो वैसे है. एंड लैब की फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, okay. तो रिसर्च के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है.
सो मधु, आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स को क्रैक किया बहुत अच्छे अच्छे रैंक से. तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी दैट हाउ यू मैनेज टू क्रैक सो मैनी ऑफ एग्जाम्स. जैसे हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं CSIR नेट के, गेट के, IIT जैम के, है ना. तो इनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू वुड लाइक टू सजेस्ट देम टू प्रिपेयर एंड चूज देयर यू नो PhD जर्नी और मास्टर जर्नी और इंटीग्रेटेड मास्टर्स. सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम, हाउ दे शुड प्रिपेयर. फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बुक्स पढ़ो या फिर कुछ भी क्लासेस करो, जैसे यूट्यूब के हो गए कि कहीं से भी आप अच्छे से क्लासेस करो एंड नोट्स बनाओ अच्छे से, बिकॉज स्ट्रक्चर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन. ऐसे नहीं कि हम किसी भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार देख लिए फिर समझ में आ गया और फिर हम बैठ जाएंगे, वैसे भी नहीं होगा प्रिपरेशन. स्ट्रक्चर नोट्स बनाना जरूरी है एंड उसके बाद नोट्स को रिवाइज करना जरूरी है. जैसे मैम आप बताती हैं ना कि रात को रिकॉल करके सोना चाहिए, मैं भी वही करती थी. सुबह शाम जो भी पढ़ाया जाता था मैं वो रात को पढ़ती थी एंड आंखें बंद करके वो सारी चीज़ों को आंखों के सामने लाती थी. तो क्या होता है ना, माइंड में अच्छे से फीड हो जाता है. तो आई विल सजेस्ट कि एवरी स्टूडेंट शुड डू दिस. एंड नेक्स्ट इज रिविजन, डेली कुछ कुछ रिविजन करना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो क्लास में. जैसे कि वन वीक के गैप में रिविजन करना चाहिए एंड उसके बाद अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ रिविजन दे शुड डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम. एंड हमारे एंट्रेंस एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो एवरी वन शुड डू क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स एंड फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, कहीं से भी आप कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मधुष्मिता फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स. एंड रिसेंटली आपने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स गेन किए हैं. आपने CSIR नेट JRF क्रैक किए हैं, आप नाइजर में हैं अभी, PhD कर रहे हैं, है ना. सो अभी लाइफ ही थी, अभी हम आपको IIT जैम में मिले थे और अब हम PhD में मिल रहे हैं दोबारा आफ्टर 2 ईयर्स. सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑल दो, बट फिर भी इट वॉज लाइक गुड, है ना. तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने आपको अच्छा लग रहा है नाइजर में एंड बहुत अच्छे से आप रिसर्च करें अपना और बाकी तो सब चलता रहेगा, राइट. यस मैम, कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को या मुझको? आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगी, मैं ये सजेस्ट करूंगी जो मैम बताती है, मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन करने से माइंड काम रहता है और डिमोटिवेट नहीं होगे इफ यू डू मेडिटेशन. सो एंड एग्जैक्टली. मैम की बातें फॉलो करो तो आपका हो ही जाएगा सब कुछ. हाँ बिल्कुल, फॉलो करें और हमारे कोर्स में आए लाइव, जो कि हमने स्टार्ट कर रखा है. फ्री ऑफ कॉस्ट है. CSIR नेट, गेट और IIT जैम की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी. तो हमारे साथ जुड़े हैं मधुष मेहता जैसे और भी बहुत